हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 दो सर वाले रैखिक समीकरणों में प्रश्नावली 4.2 के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के मैथ्स के ऑल चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा का चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमेय रूप से अनेक हल है। अब अपन को एक समीकरण दे रखा है और ये कह रहा है इस समीकरण का हल कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये बता दिया गया था कि कितने हल होते हैं समीकरण के। ये समीकरण ये दे रखा है कि y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। इसमें देखिए एक x है और एक y है, दो सर है। समीकरण कितना दे रखा है? समीकरण एक दे रखा है। यदि आपको ये शर्त बताई गई थी सर बराबर समीकरण, जितने समीकरण है उतने अगर सर हो तो उसका केवल एक ही हल होता है। कितना हल होता है? केवल एक हल होता है। और यदि सर अधिक हो, क्या हो? सर अधिक हो और समीकरण कम हो, तो सर अधिक हो समीकरण कम हो तो उसके हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर ये शर्त लग रही है, सर तो दो है, समीकरण एक है, मतलब सर अधिक है समीकरण कम है, तो इसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीन नंबर ऑप्शन है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ये कह रहा क्यों होंगे, तो देखिए क्यों होंगे। यहाँ पर अगर मैं यदि x बराबर 0 मान लूं तब इस समीकरण में y का मान कितना आएगा? x का मान 0 रखने पर y का मान आ जाएगा y बराबर 3 इंटू x का मान 0 प्लस 5। 3 इंटू 0 करोगे तो 3 और 0 और प्लस 5, इसलिए y बराबर 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5। जब x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आ गया। अब यदि मैं x बराबर 1 रखता हूं तब y का मान कितना आएगा? तो y बराबर 3x की जगह x की जगह 1 रख दिया प्लस 5, और y बराबर कितना आ गया? 3 और 5 कितने हो गए? 8 आ गए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 2 रखता हूं तो क्या होगा? y बराबर 3x, 3x की जगह 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 और प्लस में 5 देता है, 3 इंटू 2 करोगे 6 और प्लस 5, 6 और 5 कितने हुए? 11, यानी y का मान 11 आ गया। जब मैंने x का मान 0 रखा y का मान 5 आया, x का मान 1 रखा y का मान 8 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 11 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x के मान जितने होंगे उसी तरह से संगत y के मान भी आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इसके मतलब अनेक हल है। क्यों है? तो ये उदाहरण के द्वारा हमने समझा दिया। और आप ये कह सकते हैं कि सर x के मान संगत सर y के मान भी बदलते रहते हैं। x का मान 0 लिया तो y का मान 5 आ गया, x का मान 1 लिया y का मान 8 आ गया, और x का मान 2 लिया y का मान कितना आ गया? 11 आ गया। इसलिए अपरिमित रूप से इसके क्या हल होंगे? अनेक हल होंगे। तीसरा ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखने हैं। समीकरण दे रखे हैं, इसके चार हल लिखने हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस y बराबर 7। थोड़ा सा इसको सरल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, y और x को आम दिशा में रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 7 है, 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये y बराबर 7 और 2x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 2x। अब मैं यहाँ पर x का मान रख रहा हूँ तो y के मान संगत प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर x बराबर मैंने सबसे पहले इसमें 0 रखा तो y का मान कितना होगा? यहाँ से देखिए समीकरण लिख रहा हूँ y बराबर 7 माइनस 2x, x का मान 0। अब 0 को गुणा 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और पीछे कौन बस गया? 7 बस गया, इसलिए अपना आ जाएगा कि y बराबर 7, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या करेंगे, x बराबर 1 रखा तब क्या होगा? y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 करोगे कितना? 2, 7 में से 2 हो गए 5 प्राप्त हो गए, y बराबर 5, ठीक है। तीसरा मान अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर 7 माइनस 2x, मतलब ये हुआ 7 माइनस 2, x का मान कितना? 2 रखिए, यहाँ पर 2 इंटू 2 करोगे 4 और 7 में से 4 चले गए, पीछे बस गए 3, इसलिए y का मान कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर इस समीकरण के अंदर सबसे पहले कितने मान बोला है? 4 हल बोला है, तो एक और मान लेता हूँ x बराबर 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर समीकरण है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 और x का मान 3 है, 3
तीन इंटू दो करोगे छह, सात में से इससे गया पीछे बसा एक, इसलिए वाई बराबर कितना गया एक। अब यहाँ से देखिए चार मान अपन को हल प्राप्त हो गए, कौन कौन से हैं, एक्स का मान पहले लिखते हैं, वाई का मान बाद में लिखते हैं। एक्स का मान जीरो रखा तब वाई का मान मुझे सात प्राप्त हुआ, तो ये एक पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप ये है, एक्स का मान मैंने एक रखा तब मुझे वाई का मान पांच प्राप्त हुआ। तीसरा मान ये है कि एक्स का मान मैंने दो रखा, कितना रखा दो, तब जाके वाई का मान तीन प्राप्त हुआ। और चौथा ये है कि एक्स का मान मैंने तीन रखा और वाई का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हो गया। तो ये जो समीकरण है इसके चार हल हो गए। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर नौ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पर y बराबर 9 तो है, ये पाई x प्लस में इधर के माइनस में करना, x और y को आमने सामने रखो ताकि मान रखने पर सही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर y बराबर 9, पाई x प्लस में इधर के माइनस का पाई x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले x बराबर 0 रख रहा हूँ, ये दिमाग में सवाल आता होगा, यहाँ पर भी x बराबर 0, यहाँ पर भी x बराबर 0, आप जो सौ वो संख्या रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x बराबर 0 रखूंगा तब समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह लिख दिया 0। अब किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है उसका मान 0 हो जाता है, पाई का गुणा 0 के साथ करोगे 0, और यहाँ पर बचा कितना 9, इसलिए वाई बराबर 9, ठीक है। सेकेंड नंबर में x बराबर 1 रख रहा हूँ, 1 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई x, x की जगह 1, और यहाँ पर देखिए अब अगर मैंने 1 रखा किसकी जगह, x की जगह, x की जगह 1 रखा तो यहाँ पर कितना आ गया पाई आ गया, और 9 माइनस पाई रह जाएगा, y बराबर रह गया y बराबर 9 माइनस पाई, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो बराबर क्या होगा, y बराबर 9 माइनस पाई, और x का मान कितना है 2, 2 का गुणा पाई के साथ करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। यदि मैं x बराबर 3 रखता हूँ तो मुझे y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, और 3 का गुणा पाई के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर चार मान प्राप्त हो गए, जब x का मान हमने 0 लिया तब मुझे y का मान कितना प्राप्त हुआ था 9 प्राप्त हुआ था, और जब मैंने x का मान 1 लिया तब y का मान मुझे प्राप्त हुआ 9 माइनस पाई, और जब मैंने x का मान 2 लिया तब मुझे y का मान हुआ 9 माइनस 2 पाई, और जब मैंने x का मान 3 लिया तब मुझे y का मान है वो 9 माइनस 2 3 पाई प्राप्त हुआ। ये जो मान है संगत चार इसके हल हो गए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है इसका कि x बराबर 4y, x बराबर 4y। अब इसमें x और y दोनों आमने सामने ही, तो इसमें x का मान रखिए कि यदि x बराबर 0 है तब x बराबर क्या रख दिया 0 है, तो y का मान कितना होगा, अब x का मान 0 तो ये हो जाएगा x की जगह 0 बराबर 4 इंटू y, ठीक है। अब ये y के गुणा में से यार y का मान निकालना, इधर के भाग में हो जाएगा, और 0 का भाग 4 का भाग दोगे 0 के अंदर तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए y का मान भी कितना प्राप्त होगा 0। यदि मैं x बराबर 1 ले लूं तब मुझे y बराबर कितना होगा, x का मान 1 बराबर 4y, अब 4y के गुणा में इतरा के भाग में हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1/4। और यदि मैं x बराबर 2 ले लूं तो मुझे y का मान कितना प्राप्त होगा, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान 2 रखिए, ये 2 बराबर 4 इंटू वाई, अब ये 4 है गुणा में है इधर के भाग में आ जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और y बराबर y, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 1/2। उसके बाद में यदि मैं x बराबर 3 ले रहा हूँ, देखिए ये मान सबके समान है कोई जरूरी नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि आप x का मान कितना ले रहे, मैं 0 1 2 3 ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी ने -1 -2 -3 भी ले लिया, कोई गलत नहीं है, इनके मान जो x के मान ले रहे हो उसके संगत ही y के मान प्राप्त होंगे। x बराबर में अगर 3 ले रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, x की जगह 3 रख दिया बराबर 4y, और y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ये 3 तो है 4 गुणा में इधर के भाग हो जाएगा 3/4। अब अपन को चार हल मिल गए, ये पहला हल क्या मिला, यदि मैं x का मान 0 ले रहा हूँ तो y का मान भी मुझे 0 प्राप्त हो रहा है। दूसरा हल ये मिला, यदि मैं x का मान 1 ले रहा हूँ तो y का मान मुझे 1/4 प्राप्त हो रहा है। तीसरा मुझे ये मिला, मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान मुझे 1/2 प्राप्त हुआ। और चौथा मान ये, x का मान मैंने 3 लिया तो y का मान 3/4 प्राप्त हो गया।
अगला तीन नंबर क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस टू वाई बराबर फोर के हल है, कौन कौन हल नहीं है। अब यहाँ पर अपन को दे रखे x और y के मान, ये कह रहा कि ये जो इसमें से कितने मान इस समीकरण के हल है, तो अपन क्या करेंगे इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो समीकरण का हल है, और बराबर नहीं आ रहा है तो समीकरण के हल नहीं है। एक्स माइनस टू वाई बराबर फोर ये समीकरण दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये कह रहा है x का मान 0 और y का मान 2 लेना है, तो x का मान 0 लेना, y का मान 2 लेना है, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 रखिए। x की जगह यहां पर हल करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो ये समीकरण का हल है, वरना नहीं। तो x माइनस टू वाई, x की जगह कितना रखना 0 माइनस टू, y की जगह कितना रखना 2 और बराबर में 4। अब देखिए 0 माइनस 2 इंटू 2 करूंगा 4 बराबर 4, 0 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 4 और बराबर में कितना 4, माइनस 4 और 4 आपस में दोनों बराबर नहीं है, तब आप ये कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है RSS, राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 0 और 2 समीकरण x माइनस टू वाई बराबर 4 के हल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 0 2 समीकरण x माइनस टू वाई बराबर 4 के हल नहीं है, के हल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अपन को सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 और 0, x का मान 2 दे रखा, y का मान 0 दे रखा, समीकरण में पुट अप करना है। समीकरण ये था x माइनस टू वाई बराबर 4, x का मान कितना रखना है 2 रखना है, 2 माइनस यहाँ पर लिख लीजिए कि x बराबर 2 और y बराबर 0, तो यहाँ पर x का 2 मान रखना है, तो x की जगह 2 माइनस टू वाई, 2 इंटू वाई का मान कितना रखना है 0 बराबर 4। अब देखिए 2 का गुणा 0 के साथ करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 बराबर 4, और 2 में से 0 गया पीछे बचा 2 बराबर 4, 2 और 4 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। क्या लिखोगे, LSS लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, RSS राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, तब ये लिखना है कि 2 और 0, 2 0 समीकरण x माइनस टू वाई बराबर 4 का 4 के हल नहीं है, ये भी इसका हल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है स्यार और जीरो रखना, कितना रखना है स्यार और जीरो, मतलब x बराबर स्यार और y बराबर जीरो रखना है, तो x का मान स्यार रख दिया, स्यार माइनस टू वाई, वाई का मान कितना रखना है 0 बराबर 4, 4 में से अब देखो 4 और 2 का गुणा 0 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 0 हो गया, 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 में से 0 गया पीछे बचा 4 और बराबर 4। अब यहाँ पर अपन को मिल रहा है राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं, और तीसरा दे रखा था स्यार और जीरो, तब ये कह सकते हैं स्यार और जीरो समीकरण x माइनस टू वाई बराबर फोर का हल है, ठीक है, ये इसका हल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड x और y का मान रखने पर दो दो बराबर आ रहे हैं। अब इसके बाद में चार नंबर दे रखा है इसका कि रूट टू और 4√2, इसमें देखो समीकरण तो अपना ये है x माइनस टू वाई बराबर फोर, और इसमें x बराबर रखना है रूट टू और y बराबर रखना है 4√2। यहाँ से देखिए x x की जगह कितना रूट टू माइनस टू, y की जगह कितना रखना 4√2 बराबर 4, यहाँ पर रूट टू का रूट टू माइनस, 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 8√2 बराबर 4। अब यहाँ से देखिए रूट टू, यहाँ पर भी रूट टू, यहाँ पर ही रूट टू को कॉमन ले रहा हूँ, तो रूट टू को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना बच गया 8, रूट टू बार आ गया बराबर 4, एक में से 8 गए किसे बसे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट गई माइनस का 7, इसलिए आ जाएगा माइनस का 7√2 बराबर यहाँ पर 4, ये बराबर नहीं है, मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, तब आप ये लिखोगे कि जो ये दे रखे हैं मोल कि √2 4√2 समीकरण x माइनस टू वाई बराबर 4 का हल नहीं है, 4 का हल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले अपन समीकरण लिखते हैं x माइनस टू वाई बराबर 4,
पांचवे में ये दे रखा है एक और एक, मतलब एक्स बराबर भी एक और वाई बराबर भी एक। तो एक्स का मान एक रखते हैं, एक माइनस टू वाई, वाई का मान एक बराबर चार, एक माइनस दो का गुणा एक के साथ दो बराबर चार, एक में से दो गया पीछे बसा, माइनस एक बराबर चार कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एक एक समीकरण समीकरण x माइनस टू वाई बराबर फोर का हल नहीं है, फोर का हल नहीं है। ठीक है, ये हो गए तीसरे के सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है के, चार नंबर। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दो वाई बराबर एक, समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के का एक हल। यहाँ पर अपन को k का मान ज्ञात करना और उसमें x का और y का दोनों को मान दे रखा है, और x और y का इस समीकरण में मान रखिए और k का मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये कह रहा है कि समीकरण 2x plus 3y बराबर k का एक हल हो। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण है 2x plus 3y बराबर k, और x बराबर अपन को दे रखा दो और y बराबर दे रखा एक। इसका मान पुट अप करते हैं इसके अंदर, दो एक्स, एक्स का मान कितना दो, प्लस थ्री वाई, वाई का मान कितना है एक, वाई की जगह एक बराबर के, दो इंटू दो करोगे कितना चार, प्लस तीन इंटू एक करोगे तीन बराबर कितना आ गया के, चार और तीन कितना होता है सात, के बराबर आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं के बराबर कितना हो जाएगा सात, इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।